लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। जनपद फिरोजाबाद में आज ग्राम पंचायत तहसील जसराना ब्लॉक एका को ODF घोषित करने के बाद भी नहीं बन रहे शौचालय। इस संदर्भ में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी को सामूहिक रूप से सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन देते हुए ग्रामीणों में से हुकुम सिंह द्वारा बताया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा गांव में ही एक ही शौचालय नहीं बनवाया जा रहा, वह सरकार द्वारा जो पैसा आया है उसको वह अपने निजी कामों में लगा रहे हैं और कागजों पर शौचालय का काम पूरा दिखाकर पैसा निकाल रहे हैं और गाँव के नाली खरंजे आदि टूटे पड़े हैं, लेकिन ग्राम प्रधान है कि सुनते ही नहीं है। इस संदर्भ में आज जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपा गया और जिलाधिकारी द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि जांच कराई जाएगी और जो भी समस्या है उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। फिरोजाबाद से विपिन राठौर की रिपोर्ट। कहां से आए और आप DM कार्यालय पर क्यों आए? जी सर, हुकुम सिंह नाम है सर मेरा, ग्राम पंचायत पतारा एक ब्लॉक में सर पड़ता है। और सर मुझे अधिसूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि हमारे ग्राम पंचायत क्या संपूर्ण फिरोजाबाद ODF घोषित हो चुका है, लेकिन सर हमारे गांव में सिंगल शौचालय नहीं बना है सर। और दूसरी बात सर, पूरा सर खरंजा उखड़ा पड़ा हुआ था, उस पर लोकसभा के चुनाव में सर थोड़ा सा बना दिया गया, इसके बाद से सारा खरंजा उखड़ा पड़ा हुआ है सर और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि कई बार ज्ञापन भी दिया है और कहा भी गया है, प्रार्थना पत्र भी दिए मुख्यमंत्री के लिए पोर्टल पर भी सर इसके लिए कई बार विज्ञप्ति दी सर उसके लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सारे शौचालय सर सब कुछ गांव में अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है सर, पानी निकलने के लिए समस्या है गांव में, आए दिन आपस में झगड़े होते रहते हैं, वो उनके दरवाजे पर सर पानी नहीं निकलने देते, वो उनके दरवाजे नहीं निकलने देते, ये सर समस्या है। कौन सा गाँव है आपका और आप आज DM साहब से मिले तो आपको क्या आश्वासन मिला? DM साहब ने कहा है कि हम इसके लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। सर दलेलपुर गांव है हमारा, ग्राम पंचायत पतारा है, ये सभी गांव के लोग हैं, ग्राम पंचायत पतारा में 8 गांव लगते हैं, सभी के गांव के लोग हैं इसमें। संदीप तिवारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद की तरफ से रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित गुप्ता राष्ट्रीय रत्न अवार्ड से सम्मानित, जिला प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, भाजपा अध्यक्ष, ऐसे ब्लड डोनेशन क्लब, यूथ ब्लड संयोजक, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पार्षद देशदीपक यादव, नगर निगम फिरोजाबाद, नगर के सभी सम्मानित नागरिकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी नगर वासियों से अपील करता हूं कि इस होली पर रंग और गुलाल से बचकर रहें, अब स्वयं और अपने बच्चों को रंग और गुलाल से दूर रखें, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस फैल रहा है, इससे बचाव रखें। मैं डॉक्टर दिलीप यादव, MLC आगरा फरीदाबाद क्षेत्र। इस पावन पर्व पर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने जिले के सभी वासियों को, प्रदेश के वासियों को, और ईश्वर से दुआएं करते हैं होली का त्यौहार पूरी तरह से अमन चैन से मनाएं और खुश होकर मनाएं और इस सावधानी के साथ मनाएं। वर्तमान में जो बीमारी चल रही है चाइना से आई है, उस बीमारी को नज़र में रखते हुए अपने परिवार में ध्यान रखें, कहीं कोई बीमारी का असर हमारे परिवार में ना आ जाए। और जो होली खेलें उसमें भी रंग का ध्यान रखें, और जो बच्चे छोटे छोटे कीचड़ की होली खेलते हैं उसमें भी ध्यान रखें, कहीं कोई किसी तरह के बैक्टीरिया वायरस बीमारी पैदा ना हो जाए। ये त्यौहार इस तरह का त्यौहार है, एक दूसरे से गले मिलते हैं जिससे गले शिकवे दूर होते हैं, बुराइयाँ दूर होती हैं। और इसी के साथ पुनः अपील, हम सब लोग मिल करके हिंदू मुस्लिम मिल होली मनाएं, और ये फिरोजाबाद शहर और फिरोजाबाद जिला ऐसा है जहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर के व्यापार भी करते हैं, व्यापार के साथ साथ त्यौहार भी एक दूसरे के, ईद हो या होली हो या दीपावली हो, सब एक दूसरे मिलकर के मनाते हैं। और इसी तरह से हम खुशी से मनाएं और अपने इस त्यौहार को पर्व की तरह पूरी तरह से मनाकर घर में खुशहाली का माहौल पैदा करें। अनार सिंह कुशवाहा जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फूलमाला राठौर पार्षद सतीश राठौर, पार्षद पति वार्ड नंबर 36 नगला पचिया की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं
दुरुपाल सिंह, डीपी यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। होली पे सभी जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली पर सभी लोग रंगों की होली न खेल के फूलों से होली खेलें, कींच मिट्टी वाली होली से बचें और सारे लोग फूलों की होली खेल के अपना होली का ये उत्सव मनाएं। और इस विषय पर जनपद वासियों को मैं ढेर सारी होली की शुभकामनाएं देता हूं। कमलेश यादव यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इकरा कॉन्वेंट स्कूल सैलई फ्रोयावास की तरफ से शहरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गोपाल जी ज्वेलर्स सुहाग नगर चौराहा भीम नगर रोड फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय युवा वाहिनी के उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री व राजस्थान प्रभारी हिंदूवादी नेता पंडित हरदेश शर्मा व समस्त युवा वाहिनी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सिद्धार्थ यादव इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर राहुल जैन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। संतोष अग्रवाल पूजा ग्रुप ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को व मक्खनपुर नगर पंचायत को मुकेश राठौर और अनार सिंह कुशवाहा की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सहारा इको व्हील्स होली के शुभ अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर भारी छूट। इस होली से शुरुआत करें, पेट्रोल का झंझट खत्म करें, 2 साल की पेट्रोल में गाड़ी घर ले जाएं। हमारा पता बरी का नगला चौराहा।